आज हम आपको बताने वाले हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ट्रैफिक ऑन यूट्यूब और व्हाट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक सोर्स और कौन सा ट्रैफिक सोर्स सबसे अच्छा है और कौन ट्रैफिक कहाँ से आता है, सब चीज हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप प्लीज पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपको आज ये फंडा क्लियर हो जाए कि ट्रैफिक सोर्स क्या होता है और कहाँ कहाँ से व्यूज हमारे पास आती है। ट्रैफिक सोर्स डेफिनेशन। ट्रैफिक सोर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म कैन बी डिफाइंड एज अ ओरिजिन थ्रू विच द पीपल फाउंड योर साइट। आपका चाहे वीडियो हो चाहे साइट हो, आपका जिसके थ्रू आदमी आपको फाइंड आउट करता है वो ट्रैफिक सोर्स होता है। एवरी सेशन और विजिट टू योर वेबसाइट हैज ओरिजिन और सोर्स ऑफ द हिट। तो आपके वेबसाइट पे जितना भी सेशन होता है और जो भी हिट आता है या वीडियो पे जो CTR आता है वो आपका ट्रैफिक से आता है। ट्रैफिक सोर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक्सटर्नल यूट्यूब सर्च, सजेस्टेड वीडियो, डायरेक्ट और अननोन, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, ब्राउजिंग फीचर्स, प्लेलिस्ट, चैनल पेज, अदर यूट्यूब फीचर्स, नोटिफिकेशन एंड स्क्रीन, प्लेलिस्ट पेज, वीडियो कार्ड एंड एनोटेशन, साउंड पेज एंड हैशटैग पेज। तो इतने तरह के ट्रैफिक्स हम आवाज को विद पिक्चर क्लियर करने वाले हैं और आपका आज पूरा क्लियर हो जाएगा कि ट्रैफिक सोर्स क्या होता है। तो आप वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट है एक्सटर्नल सोर्सेज। रिफर टू एम्बेडेड प्लेयर्स ऑन अदर वेबसाइट, योर ओन वेबसाइट, लिंक फ्रॉम वेबसाइट एंड गूगल सर्च। जब आप गूगल सर्च करते हैं, ये देखिए हमने दिखाया अपना चैनल का नाम जब हमने डाला तो सर्च होके आ गया, तो ये एक्सटर्नल सर्च हो जाएगा क्योंकि ये गूगल के थ्रू आ रहा है। उसके अलावा एक्सटर्नल सोर्स, जब इस वीडियो को किसी ने सर्च किया तो किस किस जगह से सर्च किया। इसके अलावा एक्सटर्नल सोर्स है व्हाट्सएप, याहू सर्च, क्रिएटर स्टूडियो, गूगल गो, bing.com, कॉम कुटुम्ब, एंड्रॉयड, डकडकगो, क्रोम ऐप, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सर्च, brave.com। इसके अलावा बहुत से ऐसे ऐप जो हम ये तो पर्टिकुलर वीडियो का हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत से ऐसी साइट और वेब ऐप्स जिसको लोग यूज करके आपके वीडियो पर आते हैं। तो जब बाहर से लोग आपके वीडियो को देखते हैं तो वो एक्सटर्नल सोर्स कराता है, और जब आप YouTube के थ्रू आप देखते हैं वीडियो को तो वो इंटरनल सोर्स कराता है। YouTube सर्च मीन्स एनी वन टाइप इन समथिंग इन द YouTube सर्च बार। अब जब आप youtube.com पे जाते हैं तो आपको एक सर्च बार मिलता है जिसमें हमने लिखा यूट्यूब सर्च ट्रैफिक रतन अग्रवाल। मेरा क्या सर्च ट्रैफिक है यूट्यूब पे, उसको हमने ढूंढा रतन अग्रवाल, इसीलिए हमने लिखा कि हमारे वीडियोस को जो सर्च में है यूट्यूब पे उसको दिखाओ। तो यहाँ पे ये देखिए जब हमने ये लिखा ये इसके बारे में यूट्यूब के, तो हमारे जितने वीडियो थे वो आने लगे। सजेस्टेड वीडियो, जब हमारा वीडियो रन होता रहता है तो उसके साथ में आपके साइड बार में ये जो वीडियो आते हैं, देखिए मेरे वीडियो सजेस्ट कर रहा है कि ये सारे वीडियो अभी आप देख सकते हैं। तो ये सारे वीडियो आपके आ रहे हैं, तो ये वीडियो जो साइड में आते हैं आपके वीडियो रन करते समय उसको सजेस्टेड वीडियो बोलते हैं। इज व्हेन अ वीडियो अपीयर इन द यूट्यूब साइड बार ऑन एनी वॉच पेज, किसी वॉच पेज पे या साइड बार में जब आता है तो वो सजेस्टेड वीडियो होता है। डायरेक्ट और अननोन इज अ व्यू विच कैन बी एट्रीब्यूट एल्सवेयर। अब हमको लोग को ये नहीं समझ में आता है कि ये डायरेक्ट और अननोन क्या है। तो डायरेक्ट ट्रैफिक सोर्स, इफ यू शेयर योर लिंक एंड समबडी कम थ्रू दिस लिंक टू यूट्यूब इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रैफिक। अब हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब पे प्लेटफॉर्म पे अपने लिंक को शेयर करते हैं, और जब उस लिंक के थ्रू आदमी आपके वीडियो पे आता है, चैनल पे आता है या वीडियो पे आता है, तो उसको हम डायरेक्ट ट्रैफिक सोर्स कहते हैं। Unknown traffic source, when a person is not logged in and see YouTube content called unknown because the YouTube could not able to recognize that person identity. अब आप उसने अपनी मेल को लॉग इन नहीं किया है और आपका चैनल देख रहा है तो वो अननोन में आ जाएगा उसने, क्योंकि लॉग इन ही नहीं किया है और फिर भी देख रहा है, तो अननोन सोर्स में आ जाता है। इंस्पाइट ऑफ दिस वेबसाइट ऐप ब्लॉग एंड मेंशन योर वीडियो इन देयर आंसर। अब ब्लॉग वाले क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस ब्लॉग में अगर बहुत ढेर सारा लोगों ने पूछ रखा है तो उसमें आपका वीडियो का लिंक लगा करके आपको मेंशन कर देते हैं और कहते हैं कि इस वीडियो पे जाइए, इसका आंसर इससे मिल जाएगा। तो वो जब आदमी वहाँ से आपके वीडियो पे आता है तो वो डायरेक्ट और अननोन ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि आदमी लिंक के थ्रू आ रहा है और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से आ रहा है, तो वो डायरेक्ट और अननोन ट्रैफिक हो जाता है। डायरेक्ट मीन्स है कि लिंक के थ्रू आए, और अननोन मीन्स है कि जब वो लॉग इन ना हो तब फिर आपके वीडियो पे आए। नेक्स्ट है यूट्यूब एडवर्टाइजिंग इज मोस्टली इन स्ट्रीम एंड ट्रू व्यू एड्स। अब जब एड आपके वीडियो पे चल रहा है तो उस वीडियो के एड के थ्रू जब कोई आदमी आपके चैनल पे या वीडियो पे आता है तो वो आपका स्किप करके आपके वीडियो पे चला जाता है, तो वो आपका एड के थ्रू व्यू हो जाता है। अगर ये ट्रैफिक सोर्स एड के थ्रू आता है, इससे व्यू जो मिलता है आपका वो एड के थ्रू भी हो जाता है। ब्राउज फीचर्स मीन्स ट्रैफिक डिराइव फ्रॉम होम पेज, सब्सक्रिप्शन फीड, वॉच लेटर, ट्रेंडिंग, एक्सप्लोर सेक्शन ऑफ द यूट्यूब। तो इतने तरह से ब्राउज फीचर में ट्रैफिक आता है। सबसे पहला है होम पेज, फिर सब्सक्रिप्शन, आपने जिसको सब्सक्राइब कर रखा उनके वीडियो आपके होम पेज पे आते हैं। वॉच लेटर, आप अपने वीडियो को सेव कर रखा है तो वहाँ से जब आप वीडियो देखते हैं तो वो भी ब्राउज फीचर में आता है। ट्रेंडिंग मीन्स है कि जो आपके यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहे हैं वीडियो और आप होम पेज के थ्रू ब्राउज फीचर से उस पर आते हैं ट्रेंडिंग ढूंढ के, तो वो भी ब्राउज फीचर में आता है। और एक्सप्लोर करके जब आप यूट्यूब पे किसी वीडियो को देखते हैं तो वो ब्राउज फीचर में कहलाता है। व्हेनेवर अ व्यूअर रीचेज योर वीडियो एंड व्यूज देम फ्रॉम द अबव सोर्स YouTube Analytics count it as a traffic generated from a browse feature। तो इतने तरह के होम पेज, सब्सक्रिप्शन फीड, वॉच लेटर और ट्रेंडिंग और एक्सप्लोर से जब आप वीडियो को देखते हैं तो वो ब्राउज फीचर में आता है। नेक्स्ट है होम पेज। होम पेज मतलब है आपके चैनल का होम पेज, YouTube का होम पेज। तो YouTube के होम पेज से जब आप वीडियो को देखते हैं तो होम पेज का ट्रैफिक सोर्स कहलाता है और इससे जो व्यू मिलता है। फिर आया आपका सब्सक्रिप्शन, आपने जिन जिन लोगों को सब्सक्राइब कर रखा उनके वीडियो आपके होम पेज पे दिखते हैं तो उसको आप उसमें से आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आया आपका वॉच लेटर, आपने क्या किया, वीडियो को सेव किया और वॉच लेटर में डाल दिया और बाद में आपने कहा कि हम उस वीडियो को देखेंगे, तो ये देखिए सारे वो वीडियो आ रहे हैं जो वॉच लेटर में पड़े हुए हैं। नेक्स्ट आया ट्रेंडिंग, जो इस समय करंट टाइम में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, जैसे छठ का पूजा आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है तो उस पर आ सकता है। देखिए पटनई का कुछ आ रहा है, भोजपुरी सॉन्ग, तो ट्रेंडिंग में वो वीडियो आते हैं जो लेटेस्ट चलने वाले वीडियो होते हैं। नेक्स्ट आया आपका कि एक्सप्लोर के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं। एक्सप्लोर में आप ट्रेंडिंग, म्यूजिक, मूवी, लाइव, गेमिंग, न्यूज, स्पोर्ट्स, लर्निंग, फैशन एंड ब्यूटी, इतनी चीज़ें एक्सप्लोर के थ्रू आप और भी बहुत सी कैटेगरी हैं जो देख सकते हैं। उसके अलावा YouTube के भी बहुत से फीचर्स हैं जो आप देख सकते हैं। YouTube प्रीमियम है, क्रिएटर स्टूडियो है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर सेक्शन में आती है। नेक्स्ट है चैनल पेज। अब हमारा चैनल पेज ये है रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर, तो इस पर आप जब अपना चैनल सर्च करते हैं तो चैनल पे पहुंच जाते हैं। तो ये आपके चैनल पेज से जब आप कोई चीज़ को व्यू करते हैं तो वो चैनल पेज का ट्रैफिक हो। इफ समवन वॉच योर वीडियो देन क्लिक ऑन योर चैनल लिंक फ्रॉम देयर इफ द पर्सन वॉच एनी वीडियो दिस विल काउंटेड एज अ चैनल ट्रैफिक। आपके वीडियो से चैनल पे गया, चैनल से फिर वीडियो पे गया, तो वो चैनल ट्रैफिक कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आया प्लेलिस्ट पेज। अब आप जो वीडियो बनाते हैं उसके डिफरेंट टॉपिक पर डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाते हैं। जैसे मेरे में बहुत ढेर सारी प्लेलिस्ट पड़ी है, तो इसमें लाइव की अलग है, कोलैब की अलग है, यूट्यूब टिप्स की अलग है, कंप्यूटर की अलग है, कंप्यूटर में भी वाइफिकेशन है, MS वर्ड है, एक्सेल है, एक्सेस है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, बहुत सी चीज़ HTML है, बहुत सी चीज़ों की लिस्ट बनी है। तो जब प्लेलिस्ट बनी होती है और उसके थ्रू आप वीडियो को देखते हैं प्लेलिस्ट में जाके, तो वो प्लेलिस्ट पेज का ट्रैफिक कहलाता है। दिस ट्रैफिक ऑल्सो इंक्लूड यूजर लाइव वीडियो एंड फेवरेट वीडियो। तो लाइव वीडियो और फेवरेट वीडियो भी हम लोग सेव करते हैं, तो लाइक का अलग एक प्लेलिस्ट बन जाती है और फेवरेट की अलग प्लेलिस्ट बन जाती है। यू कैन सी अ स्पेसिफिक प्लेलिस्ट दैट ड्रॉ ट्रैफिक टू योर वीडियो। On the traffic source, playlist and card of the reach tab. तो reach tab के थ्रू आपको पता लग जाता है कि आपका traffic playlist पे कहाँ से आ रहा है। Other YouTube feature, अब ये हमको समझ नहीं आता कि other YouTube features क्या है। तो partner promotion और dashboard, partner program या dashboard से जब आपका व्यू आता है, तो पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू जब पार्टनर प्रमोशन होता है, तो उस पर जब आप किसी से कहते हैं मेरा वीडियो प्रमोट कर दो, तो चैनल प्रमोट कर दो, तो जो सीनियर क्रिएटर होता है वो आपके वीडियो को अपने चैनल पे या कम्युनिटी पे लगा देता है, जिससे आपके वीडियो पे व्यूज़ आ जाता है। तो जब वो व्यूज़ आ जाता है तो वो पार्टनर प्रमोशन कहलाता है, और डैशबोर्ड के थ्रू भी आपका व्यू आता है। तो ये चार तरह से होता है। एक होता है ऑफलाइन व्यू, who has applied for YouTube Premium, they won't see ads and offline seeing video is called offline views. तो जो लोग अपने YouTube Premium को लिए रहते हैं, वो जो वीडियो डाउनलोड करते हैं गाने वाने का, तो वो उसको ऑफलाइन बिना ऐड के देख पाते हैं, तो वो ऑफलाइन व्यू हो जाता है। अब इसके बाद आया अननोन सोर्स, व्हेन YouTube won't able to detect view source known as unknown view, known as unknown view. जब आप लॉगिन नहीं होते हैं तो आपको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और आप यूट्यूब को देखते हैं तो आपका व्यू जो होता है काउंट हो जाता है, लेकिन यूट्यूब उसको समझ नहीं पाता, तो वो अननोन सोर्स कहलाता है। YouTube.be, इट्स अ वर्जन ऑफ मोबाइल साइट और अ व्यू कम फ्रॉम अ यूट्यूब शॉर्टनर URL। आप सोचते हैं हमने शॉर्ट URL बनाया, यूट्यूब नहीं समझ पाएगा, ऐसा नहीं है, वो अननोन सोर्स में चला जाएगा, अदर सोर्स में चला जाएगा। जब आपके URL के थ्रू यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा और वीडियो को देखिएगा। यूट्यूब रिमोट व्यू कम्स फ्रॉम स्मार्ट टीवी एप्लीकेशन। अब आजकल वीडियो जो है वो स्मार्ट टीवी पे भी आने लगा है, तो जब स्मार्ट टीवी के थ्रू आपके वीडियो पे व्यू आता है तो यूट्यूब रिमोट कहलाता है। नोटिफिकेशन व्यूज फ्रॉम पुश नोटिफिकेशन सेंड टू योर सब्सक्राइबर हु टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन फॉर योर चैनल एंड एनेबल यूट्यूब। अब ये नोटिफिकेशन किसको मिलता है? जो बेल के ऑल ऑप्शन को दबाए रहते हैं। तो जब आप कुछ भी पोस्ट करते हैं, लाइव जाते हैं या वीडियो को कम्युनिटी पे डालते हैं, तो वो सबको नोटिफाई करता है कि भाई नया वीडियो आ गया है, पोस्ट आ गया है, लाइव होने वाला है, आप देख लीजिए। तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू व्यू आता है। नेक्स्ट है आपका एंड स्क्रीन। ये सभी जानते हैं कि अपने वीडियो में लोग 4 एंड स्क्रीन लगाते हैं, जिसमें 2 वीडियो, 1 प्लेलिस्ट और 1 सब्सक्राइबर बटन होता है, या 2 प्लेलिस्ट आप लगा सकते हैं। एंड स्क्रीन कैन बी एडेड टू लास्ट 5 to 20 सेकेंड, और वो आपका 5 से 20 सेकेंड तक दिखाई देता है। यू कैन यूज देम टू प्रमोट अदर वीडियो। क्यों लगाते हैं एंड स्क्रीन? जिससे कि आपका दूसरा वीडियो भी वो आदमी देख ले। एनकरेज व्यूअर्स टू सब्सक्राइब एंड मोर, और उनको एनकरेज करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा देखिए, फुल वॉच करिए। You can add up to 4 एलिमेंट टू योर एंड स्क्रीन फॉर वीडियो विद स्टैंडर्ड 16। अब लॉन्ग वीडियो होगा तो आप 4 ऑप्शन लगा पाएंगे और 1 आई कार्ड लगा पाएंगे, और अगर शॉर्ट वीडियो होगा तो आप 1 वीडियो और 1 सब्सक्रिप्शन लगा पाएंगे। यू कैन ऐड वीडियो डिस्क्रिप्शन टैग कार्ड, एंड इफ द शॉर्ट इज लॉन्गर देन 25 सेकेंड यू कैन ऐड एंड स्क्रीन। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका शॉर्ट वीडियो 25 सेकेंड का कम से कम हो। अगर इससे कम का होगा तो वो आपको एंड स्क्रीन नहीं लगाने देगा, और अगर बड़ा होगा तो वो एंड स्क्रीन लगाने देगा, और आपका व्यूअर उसको सब्सक्राइब कर लेगा, कमेंट कर पाएगा और शेयर कर पाएगा और लाइक डिसलाइक कर पाएगा। यूट्यूब शॉर्ट के थ्रू और वीडियो भी नेक्स्ट देख पाएगा. वीडियो कार्ड एंड एनोटेशन. एंड एंड स्क्रीन ऑल्सो रिफर टू एन एंड कार्ड और एंड स्लेट is a YouTube feature that appear in the last 5-20 seconds of the video. अब आपका जो आई कार्ड होता है वो आपका वीडियो कार्ड या एनोटेशन होता है. YouTube can use their end screen to promote video, playlist, merchandise and external website. तो इसको वो यूज करता है अपनी वीडियो को, प्लेलिस्ट को या मर्केंडाइज साइट को प्रमोट करने के लिए. YouTube cards and annotation are very useful if you want to encourage your viewers to take an action, like subscribe, go to another video or associate website etc. तो ये इतने आई कार्ड इतने कामों के लिए आता है. हम लोगों को पता था कि केवल कार्ड व्यू वीडियो या प्लेलिस्ट लगाने के लिए आता है, लेकिन इसमें हम अपनी एसोसिएटेड वेबसाइट को भी लगा सकते हैं और सब्सक्राइबर बटन भी सब्सक्राइब करने के लिए भी कह सकते हैं. साउंड पेज. व्हेन यू रन शॉर्ट्स एंड यू गेट व्यू ऑन दैट वीडियो विथ सॉन्ग कॉल्ड साउंड पेज. अब देखिए जब आप शॉर्ट दबाते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक साउंड का ऑप्शन आता है जिसमें साउंड बजता रहता है एनिमेशन के साथ. तो वो पोर्शन जो होता है उससे व्यू जो आता है वो साउंड पेज कहलाता है. नेक्स्ट आया आपका हैशटैग पेज. अब आपके बहुत से व्यूज होते हैं वो हैशटैग से आते हैं. लोग कहते हैं 10 हैशटैग लगा लो, 5 हैशटैग लगा लो. हैशटैग क्या होता है? व्यूअर्स नीड टू क्लिक ऑन हैशटैग ऑन अनदर वीडियो एंड देन योर वीडियो माइट शो अप और हाउ टू स्पेसिफाई सर्च फॉर दैट हैशटैग. हैशटैग ओनली शो अप अंडर अ वीडियो इफ यू डिडंट फिल आउट अ रिकॉर्डिंग लोकेशन. हैशटैग जो हम किसी पर्टिकुलर क्रिएटर का लगाते हैं या चैनल का लगाते हैं या पर्टिकुलर वीडियो के लिए लगाते हैं तो हैश लगा करके उसका, जैसे हमने देखिए अपने MS रतन अग्रवाल बना रखा है तो इसमें मेरे जितने वीडियो हैं उसमें हमने MS हैश रतन अग्रवाल लगा रखा है तो वहां पे सारे लोग सारे वीडियो पहुंच जाते हैं जब हम उसको अपलोड करते हैं. तो हैशटैग नाम से मेरा एक चैनल बना हुआ है जिसमें दिखा रहा है कि 1K वीडियो और 2 चैनल एडेड है. तो MS हैशटैग करने से हमारे उस पर पहुंच जाता है. अब आपको हम क्लियर कर रहे हैं कि सबसे पहले आदमी कैसे वीडियो ढूंढता है. वो सर्च ही से ढूंढता है या YouTube चैनल पे जाके ढूंढता है. तो जब सर्च से ढूंढता है तो वो ब्राउज फीचर में भी जाता है, सजेस्टेड में भी जाता है और कार्ड और नोटिफिकेशन के थ्रू भी जाता है. तो सर्च 3 तरह से दिखाता है कहाँ कहाँ सर्च करने पे जाएगा. वो सजेस्टेड में जाएगा, कार्ड में जाएगा और ब्राउज फीचर में जाएगा. और अगर ब्राउज फीचर में चला गया तो ब्राउज फीचर अभी आपको हमने क्लियर किया है तो वो सजेस्टेड में जाएगा, कार्ड एनोटेशन में जाएगा, नोटिफिकेशन में जाएगा और आपका नोटिफिकेशन से वापस ब्राउज फीचर में आएगा. और अगर एक्सटर्नल है तो वो सीधे कार्ड या एनोटेशन से आता है आदमी. चैनल पेज जो से अगर आएगा आदमी तो भी वो कार्ड एंड एनोटेशन पे आएगा. तो बेस्ट सर्च कहाँ से आपको मिलेगा? सजेस्टेड और कार्ड एंड एनोटेशन से. तो सारी चीजें क्योंकि कार्ड एंड एनोटेशन पे आ रही हैं तो आपका सबसे अच्छा जो व्यू मिलेगा कार्ड एंड एनोटेशन से मिलेगा अगर व्यूअर आपके वीडियो को फुल देखता है. नहीं तो सेकंड पोजीशन सजेस्टेड की आती है जिसके थ्रू आपके वीडियो पर लोग व्यूज करते हैं, ट्रैफिक आता है और आपके वीडियो को देखते हैं. सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर. आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि ट्रैफिक सोर्स क्या होता है और कहाँ कहाँ से आता है और कितने तरह का होता है. और अगर आपको अभी तक वीडियो देख रहे हैं और अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा. इससे हमको प्रमोशन मिले और हमको अच्छा लगे कि हम नेक्स्ट वीडियो फिर और मेहनत से बनाएं. और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस बेल ऑल ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का मिले. थैंक यू.